हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिजिटल कक्षा। इट्स शिवम वाजपेयी। आज के इस पार्ट में हम फर्स्ट और सेकंड स्टेप्स को डिस्कस करेंगे जो एग्रीकल्चर की प्रोसेस में इन्वॉल्व होते हैं। सबसे पहली प्रोसेस जो होती है, फर्स्ट स्टेप जो होती है, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड प्लगिंग। सो लेट्स सी वॉट इज दिस। द प्रोसेस ऑफ लूजिंग एंड टर्निंग ऑफ द सॉइल इज कॉल्ड टिलिंग और प्लगिंग। तो क्या करते हैं, जो सॉइल है तो क्या हो जाती है, लूज करने की प्रोसेस जो होती है सॉइल को, है ना, इसमें खोदते हैं एक तरीके से, जो अंदर की जो मॉइस्चर भरी जो सॉइल है जिसमें न्यूट्रिएंट्स हैं वो उसको बाहर लेकर आते हैं, है ना, और सॉइल को लूज करते हैं ताकि उसमें एयर प्रॉपरली अंदर जा पाए, ताकि जब हम सीड उसके अंदर डालें तो उसको प्रॉपर एयर और सारी चीज़ें न्यूट्रिएंट्स मिल पाएँ प्रॉपरली। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, और जो अनवांटेड प्लांट्स पहले से ग्रो होते हैं उनको हटाने की जो प्रोसेस होती है, ये सारी चीज़ें हम करते हैं टिलिंग और प्लगिंग के थ्रू। सो लूजिंग एंड टर्निंग ऑफ द सॉइल इज कॉल्ड प्लगिंग। द प्राइम पर्पस ऑफ प्लगिंग इज टू टर्न ओवर अपर मोस्ट सॉइल, लिखा हुआ है, अपर मोस्ट सॉइल को हटाकर नीचे की सॉइल को ऊपर लाना, ब्रिंगिंग फ्रेश न्यूट्रिएंट्स टू द सर्फेस वाइल बरिंग वीड्स एंड क्रॉप्स रिमेन्स टू डिके। ओके, सो फ्रेश न्यूट्रिएंट्स को सरफेस पे लाना और जो वीड्स हैं, है ना, उनको क्या करना, जो वेस्ट वेस्ट वाले जो प्लांट्स होते हैं उनको क्या करना, सड़ने के लिए, मैन्योर्स में कन्वर्ट होने के लिए छोड़ देना, है ना, निकाल देना ताकि वो ग्रो ना कर सकें। वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टास्क इन एग्रीकल्चर इज टू टर्न द सॉइल एंड लूजन इट, यानी कि ये हमारी जो पहली स्टेप है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दिस अलाउज रूट टू पेनिट्रेट डीप इंटू द सॉइल, और इससे क्या होता है, जो हम सीड जब सो करते हैं सोइंग प्रोसेस में, तो वो जो रूट्स डेवलप होती हैं वो काफ़ी अंदर तक जा पाती हैं, गहरे तक, और हमारा प्लांट जो है ना वो फर्मली खड़ा हो पाता है, ठीक है। सो इट विल प्रोवाइड स्ट्रेंथ बेसिकली टू आर प्लांट, एंड द लूज सॉइल अलाउज रूट्स टू ब्रीद ईजली इवन वेन दे गो डीप इंटू द सॉइल, है, तो रूट्स आसानी से क्या कर पाती हैं, ब्रीथ कर पाती हैं, है ना, प्लांट्स ऑल्सो ब्रीथ लाइक अस ना, सो दे ऑल्सो रिलीज ऑक्सीजन एंड टेक कार्बन डाइऑक्साइड, एंड समटाइम्स इन ब्रीदिंग ऑल्सो दे रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड एज वेल। तो जो प्रोसेस होती है ब्रीदिंग प्रोसेस, इनटेक एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस बेसिकली, वो भी आसानी से हो पाए रूट्स में, क्योंकि रूट्स तो नीचे होती है ना, अगर लूज सॉइल होगी तो आसानी से ब्रीदिंग हो पाएगी। फार्मर्स यूज बुलक्स एंड ट्रैक्टर्स टू प्लग देयर फील्ड, प्लगिंग के लिए क्या यूज़ करते हैं, बुलक कार्ट होती है ना, बैल, दो बैल का यूज़ करते हैं वो, और एक प्लग होता है उनके पास, हल जिसको बोला जाता है ना, देखा होगा आपने गांव में या पिक्चर्स में कि एक किसान होता है वो दो बैलों को हाँक रहा होता है आगे धीरे धीरे, है ना, और एक उसके पास इंस्ट्रूमेंट होता है जिसको हल बोलते हैं, वो खेत जोतने के काम आता है, प्लगिंग में काम आता है, उसको प्लग बोलते हैं इंग्लिश में। एंड ट्रैक्टर्स, ट्रैक्टर्स तो हम मॉडर्न टेक्नोलॉजी में यूज़ कर रहे हैं ना, तो वो बड़े लेवल पे काम आते हैं। तो यहाँ जैसा कि आप देख सकते हैं, है ना, दिस फार्मर इज प्लगिंग विद द हेल्प ऑफ बुलक कार, बुलक्स बेसिकली, दो इसके पास बैल हैं उनसे ये क्या कर रहा है, खेत को प्लग कर रहा है, प्लगिंग यूजिंग बुलक एंड दिस इज यूजिंग ट्रैक्टर। ओके, सो ये दो अलग अलग मेथड्स हैं। जो छोटे किसान होते हैं जिनके पास कम एरिया होता है तो वो बुलक्स का यूज़ करते हैं, और जो बड़े फार्मर्स हैं वो ट्रैक्टर का यूज़ करते हैं ना। नाउ वी विल सी व्हाट इज़ अ प्लग। प्लग इज़ बीइंग यूज्ड सिंस एंशिएंट टाइम फॉर टिलिंग द सॉइल, एडिंग फर्टिलाइजर टू द क्रॉप एंड रिमूविंग द वीड्स एंड टर्निंग द सॉइल। तो ये सारे काम करने के लिए, है ना, फर्टिलाइजर्स वगैरह ऐड करने के लिए, है ना, सॉइल को पलटने के लिए, टिलिंग प्रोसेस में वीड्स रिमूव करने के लिए और सॉइल को टर्न करने के लिए, इन सभी चीज़ों के लिए प्लग का यूज़ हम काफ़ी पुराने टाइम से कर रहे हैं ना। दिस इज़ मेड ऑफ वुड बेसिकली, किसकी बनी होती है, ये वुड की बनी होती है, एंड इज ड्रॉन बाय पेयर ऑफ बुल्स, ओके, और अदर एनिमल्स लाइक हॉर्स एंड कैमल्स। सो बुल्स का यूज़ करते हैं इसीलिए इसको बुलक बोला जाता है ना, बुलक कार्ट या कार्ट हो जाता है तो वो तो दूसरे केसेस में यूज़ होता है। देन वी यूज़ अदर एनिमल्स लाइक हॉर्स एंड कैमल्स ऑल्सो इन सम केसेस।
मोस्टली आपको बुल्स ही देखने को मिलेंगे। इट कंटेन अ स्ट्रॉन्ग ट्रायंगुलर आयरन स्ट्रिप कॉल्ड प्लग शेयर। इसमें जो है ना आयरन स्ट्रिप होती है एक ट्रायंगुलर, जिसको प्लग शेयर बोलते हैं। देन इट द मेन पार्ट ऑफ प्लग इज लॉन्ग वुड विच इज कॉल्ड प्लग शाफ्ट। ओके, तीन पार्ट होते हैं, एक होता है चार बेसिकली, हैंडल होता है, प्लग शेयर, प्लग शाफ्ट, ओके, एंड लास्ट में होती है बीम। तो ये चार चीजें यूज होती हैं बेसिकली। वन पेयर ऑफ बुल्स एंड अ मैन कैन इजिली ऑपरेट द प्लग। द इंडिजीनियस वुडन प्लग इज इंक्रीजिंगली बींग रिप्लेस बाय आयरन प्लग नाउअडेज। मतलब आजकल लोग आयरन प्लग्स का ज़्यादा यूज कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे प्लग का स्ट्रक्चर दिया हुआ है, तो ये जो आप देख रहे हो बुल्स के ऊपर वाला जो पोर्शन है वो है हमारा बीम, बीम वाला पोर्शन है, लंबी सी बीम रखी हुई है। देन द मिडिल पोर्शन इज प्लग शाफ्ट, जो बीच वाला पोर्शन है, दिस लॉन्ग रॉड है ना, एंड द एंड ट्रायंगुलर आयरन पार्ट इज कॉल्ड प्लग शेयर। ओके, सो आई होप इट इज क्लियर। नाउ वी विल सी अ हो, HOE। हो इज बेसिकली अनदर इंस्ट्रूमेंट लाइक प्लग। ओके, इट इज सिंपल टूल विच इज यूज फॉर रिमूविंग वीड्स एंड फॉर लूजनिंग द सॉइल। ये एक तरह से बस मॉडर्न थोड़ा सा अपग्रेडेड वर्जन है प्लग का। इट हैज लॉन्ग रॉड ऑफ वुड और आयरन। ठीक है, अ स्ट्रॉन्ग ब्रॉड एंड बेंड ब्लेड प्लेट ऑफ आयरन इज फिक्स्ड टू वन ऑफ इट्स एंड एंड वर्क लाइक अ ब्लेड। तो इसमें एक ब्लेड टाइप का लगा होता है नीचे, है ना, जैसे आप यहाँ पे इसमें भी इमेज में भी देखेंगे, इट इज पुल्ड बाय एनिमल। ये भी एज इट इज प्लग की तरह काम करता है ना। तो यहाँ पर बस जो वहाँ पे ट्रायंगुलर बीम था, प्लग शेयर था, उसकी जगह पे यहाँ पे क्या यूज हो रहा है, बेंट प्लेट यूज हो रही है, एक ब्लेंड है ना, बेंडेड प्लेट है जिसका यूज होगा ब्लेड की तरीके, ये मिट्टी को टर्न करने का काम करेगी। बाकी सारी चीजें तो इसमें आप देखिए, ग्रिपिंग के लिए एक बंदा पीछे से पकड़ता है तो ग्रिप लगी हुई है, हैंडल दिया हुआ है, बीम जो है वो एनिमल के हेड पे रखेंगे है ना, उनके सपोर्ट के लिए रॉड है, सारी चीज़ें आपको प्लग की तरह ही दी हुई हैं। देन वी हैव कल्टीवेटर। नाउडेज प्लगिंग इज डन बाय ट्रैक्टर ड्रिवन कल्टीवेटर्स। ओके, तो कल्टीवेटर्स बेसिकली यूज्ड इन लार्ज एरियाज, सो द यूज ऑफ कल्टीवेटर्स सेव लेबर्स टाइम। टाइम इसमें मतलब काफ़ी जल्दी हो जाता है काम, है ना, ट्रैक्टर्स में बांध देते हैं इसको और काफी जल्दी से ये पूरी फील्ड की प्लगिंग कर देता है। द नेक्स्ट प्रोसेस इज सोइंग। सोइंग इज द प्रोसेस ऑफ पुटिंग सीड्स इनसाइड द सॉइल। ओके, बीज को, बीज बोना भी बोलते हैं हिंदी में इसको, तो सोइंग प्रोसेस क्या है, पुट हेल्दी सीड इनटू द सॉइल, और हेल्दी सीड होना चाहिए। बिफोर सोइंग गुड क्वालिटी क्लीन एंड हेल्दी सीड ऑफ अ गुड वेराइटी आर सेलेक्टेड। सबसे पहले तो हम एक हेल्दी सीड को सेलेक्ट करते हैं। फार्मर्स प्रिफर टू यूज सीड्स विच गिव हाई ईल्ड। ईल्ड मतलब बेसिकली जो ज़्यादा पैदावार, जितनी ज़्यादा ग्रोथ होगी, है ना, अगर किसी की कम, मान लीजिए एक एरिया में जिसमें ज़्यादा ग्रेन्स प्रोड्यूस हो रहे हैं तो उसकी ईल्ड क्या होगी, ज़्यादा होगी। किसी फील्ड में सेम एरिया के दो फील्ड हैं, एक में ज़्यादा ग्रेन्स प्रोड्यूस हुए, एक में कम हुए, तो जिसमें ज्यादा हुए उसकी यील्डिंग पावर क्या है, ज्यादा है, है ना। सो सिलेक्शन कैसे करते हैं, इनको हम क्या करते हैं, सीड्स को वाटर में पोर कर देते हैं। वाटर में अगर आप डालोगे तो आप देखोगे कि जो हल्के सीड्स होते हैं ना, और जो लाइटर होते हैं, हल्के मतलब कैसे हुए, हॉलो होंगे, जो अंदर से खोखले होंगे, है ना, तो वो सीड्स क्या होते हैं, हल्के होने की वजह से पानी में ऊपर ही तैरने लगते हैं, एंड थस दे फ्लोट ऑन वाटर। दिस इज अ गुड मेथड ऑफ सेपरेटिंग गुड हेल्दी सीड्स फ्रॉम डैमेज वन। तो जो ऊपर वाले तैरने वाले होते हैं वो डैमेज सीड्स होते हैं, जो नीचे बैठ जाते हैं वो कैसे होते हैं, हेल्दी सीड्स होते हैं, तो उनको अलग कर लिया जाता है। ठीक है, सो दिस इज वन ऑफ द मेथड फॉर सेलेक्टिंग द सीड्स। देन हेल्दी सीड्स आर सोन आइदर मैनुअली इन ग्रूव्स मेड बाय फार्मर्स वाइल प्रिपेयरिंग द फील्ड। तो जो हेल्दी सीड्स हैं वो फिर क्या किए जाते हैं, या तो मैनुअली पुट किए जाते हैं फार्मर्स के द्वारा, है ना, एक फनल टाइप की होती है, या फिर मशीन्स के थ्रू करे जाते हैं, जिनको सीड ड्रिल बोलते हैं ना, सीड ड्रिलिंग। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पर वो फार्मर्स जो हैं मैनुअली उसको क्या कर रहे हैं, एक फनल टाइप ही है, उसमें सीड्स एक एक करके पुट कर रहे हैं और प्लग की हेल्प से उसको सो कर रहे हैं।
ठीक है. सो दिस इज मैनुअल सोइंग है. देन यू हैव दिस सीड ड्रिल मशीन. ओके सो इट विल सीड सो द सीड ऑटोमेटिकली. ओके तो इसमें आपको कुछ करना नहीं होता है, ट्रैक्टर से अटैच कर देते हैं और ये ऑटोमेटिकली सीड्स को क्या करती है, एक फिक्स डिस्टेंस में सो करती चली जाती है. ओके सो ये आप देख सकते हैं, ये ट्रैक्टर के साथ कनेक्टेड है और आपकी ड्रिलिंग हो रही है. ओके सो आई होप सोइंग एंड प्लगिंग इज क्लियर टू ऑल. विल डिस्कस दिस थर्ड पार्ट, एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स, इन नेक्स्ट पार्ट ऑफ द वीडियो. आई होप दिस पार्ट इज क्लियर टू ऑल. इफ देयर इज एनी डाउट यू कैन आस्क मी इन कमेंट. दैट्स इट फॉर टुडे. स्टे होम, स्टे सेफ, टेक केयर, गुड बाय एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब डिजिटल कक्षा. थैंक यू.